इंडियन माओइस्ट, आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार करमवादी और आज हम बात करेंगे आने वाले फिल्मों के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस महीने 15 मार्च को एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं और सबसे बड़ी खासियत ये है उन फिल्मों की सभी फिल्में कहीं ना कहीं देशभक्ति को डेडिकेटेड है। वैसे तो अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से या इस साल से या 2023 से एक देशभक्ति का सब फिल्मकारों में जुनून देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक देशभक्ति फिल्में आ रही हैं। तो इसी में सबसे पहले बड़ी फिल्म है बस्तर, उसके बाद में है योद्धा और 15 मार्च को ही एक और फिल्म होगी मर्डर मुबारक। 15 मार्च को तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें सबसे पहली फिल्म है बस्तर कनकस्लाइड स्टोरी। यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बस्तर में नक्सलियों का स्तर बढ़ता जा रहा है और जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक आने वाले समय में घातक सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि झीरम घाटी में कैसे हमला हुआ था, जिसमें लगभग 52 यानी कि 52 लोग शहीद हुए थे। और नक्सलाइट एक तरीके से हमारे देश की सरकारें या हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से नक्सलाइटियों को आतंकवादी ही मानती है। देश अगर दुनिया में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का सबसे मजबूत समूह यानी कि आतंकियों का संगठन उभर के सामने आ रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नक्सलाइट अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिन दहाड़े सरकारी अफसरों को किडनैप कर लेते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं, या उनके विरोध में हो जाता है तो उसकी खैर नहीं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के सत्य घटनाओं पर आधारित यह फिल्म 15 मार्च को सिनेमा घरों में आ रही है और इस फिल्म को आप देखें और समझें कि इस फिल्म में किस तरह से नक्सलाइट एक्टिविटी को दिखाया गया है। ये तो थी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुदीप गोस्वामी और वहीं इस फिल्म के राइटर हैं अमरनाथ ज्योति और सुदीप गोस्वामी और वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें आदर्श शर्मा, शिल्पा शुक्ला, यशपाल, सुब्रतो दत्ता और इंदिरा तिवारी जैसे मजे हुए कलाकार आपको देखने को सिल्वर स्क्रीन पर मिले। बस्तर द नक्सलाइट स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे हम किसी नए ट्रेलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।